Hello friends, welcome to my YouTube channel Literature Quest. In today's video, we will discuss about some important questions related to Kamala Das. So let's start. So my first question, I am every woman who seeks love. These lines are from the poem by. So these lines are written by Kamala Das in her poem An Introduction. Next question, in which year Summer in Calcutta was published. So Summer in Calcutta, Kamala Das ka pehla work tha. It was published in 1965. Next, name the autobiography of Kamala Das. So in English we called My Story and Malayalam mein jo inki autobiography thi My Story uska name tha Ente Katha. काफी बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास इन मलयालम, तो वहां पे हमारा आंसर होगा एंटी कथा. और अगर माय स्टोरी ऑप्शन दिया हुआ है तो वहां पे हमारा आंसर होगा माय स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर अनइनहैबिटेडली राइट अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप. सो कमला दास बहुत बोल्डली इन्होंने अपने वर्क्स में अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें जो है कन्फेशनल पोएट भी कहा जाता है. सो करेक्ट आंसर इज कमला दास. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेन नेम ऑफ कमला दास. सो माधवी कुटी ये इनका पेन नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोयम बाय. ये जो पोयम है, इट वॉज अ पोयम विच इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन. सो आपको तीन चार ऑप्शन दिए होंगे तो हमारा सही आंसर होगा प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कमला दास वन द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड. यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात नहीं बल्कि केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात हो रही है. तो देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 1969 और 1968 में. कुछ बुक्स में 69 दिया हुआ है, कुछ में 68, लेकिन विकीपीडिया में आपका 68 दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे. तो जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसके आंसर को सही मानेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर अल्फाबेट ऑफ लस्ट वॉज रिटन. अल्फाबेट ऑफ लस्ट अ वर्क बाय कमला दास, इट वॉज रिटन इन 1976. करेक्ट आंसर इज 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज कमला दास गॉट मैरिड. कमला दास की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, एट द एज ऑफ 15. करेक्ट आंसर इज 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट बुक रिटन बाय कमला दास. सो फर्स्ट बुक है इनकी समर इन कैलकटा, जो कि लिखी गई थी इन 1965. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंजर टाइम इज अ पोयम बाय. स्ट्रेंजर टाइम पोयम है कमला दास की, टन इन 1977. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर्स टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप. सो लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में कमला दास ने अपना वर्क इकबाल में बताया था, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा इकबाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कमला दास शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज के लिए ये शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, इन्होंने जीता नहीं था, तो ये हुआ था इन 1984. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री. ये एक लाइन है इंडिया, इन्होंने ये बोला था. हु सेट द अबव लाइन्स. तो ये लाइन्स हैं कमला दास की. नेक्स्ट, इन विच ईयर कमला दास वन द पेन्स एशियन अवार्ड. सो इन 1963. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन दी गई है, बी एम ई बी कमला और बेटर. दीज लाइन्स आर फ्रॉम, तो ये लाइन्स एन इंट्रोडक्शन जो कि कमला दास का ही एक वर्क है, इससे ली गई है. नेक्स्ट, कमला दास इज कॉल्ड अ कन्फेशनल पोएट. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपको दो चार राइटर्स के नाम दे दिए होंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कन्फेशनल पोएट, तो वहां पर हमारा आंसर होगा कमला दास. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कमला दास एम्ब्रेस द इस्लाम. इन्होंने इस्लाम कब अपनाया था, तो लास्ट टाइम पे इन्होंने इस्लाम अपनाया था 11 दिसंबर 1999 में इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था. नेक्स्ट, कमला दास ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलाइज्ड इन. तो इनकी ऑटोबायोग्राफी माय स्टोरी, इट वॉज सीरियलाइज्ड इन द करेंट वीकली. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन है, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट. दीज लाइन्स आर फ्रॉम, दीज लाइन्स रिटन बाय कमला दास इन हिज वर्क द लुकिंग ग्लास.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड आई हैड लुक्ड आफ्टर टू मुस्लिम चिल्ड्रेन वॉज एन इमोशनल एक्सपेरिमेंट. तो ये कहा था कमला दास ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास लास्ट वर्क वॉज, इनका लास्ट वर्क था या अल्लाह रिटर्न इन 2001. इसके अलावा जो वर्क हैं कमला दास के उनको देख लेते हैं. तो नोवेल लिखी थी इन्होंने अल्फावेट ऑफ लस्ट इन 1976. सेकेंड इनकी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी या फिर एंटे का था इन 1976. शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट रिटर्न इन 1977. नेक्स्ट, पद्मावती द हेरॉल्ड एंड अदर स्टोरीज 1992. और इनकी पोएट्री की बात करें तो ये कुछ पोएट्री हैं इनकी, द साइलेंस इन 1964 एंड नेक्स्ट समर इन कलकत्ता इन 1965, द डिसेंडेंट्स इन 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स इन 1973, द स्ट्रेंजर टाइम्स इन 1977 एंड कलेक्टेड पोएम्स इन 1984, The Anamalai Poems in 1985, Only the Soul Knows How to Sing in 1997, Next, My Mother at 66 in 1999, and Ya Allah, जो कि इनका लास्ट वर्क है, in 2001. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके बायोग्राफी एंड इनके वर्क से रिलेटेड. और ये एक जो भी इनके टोटल वर्क्स हैं उसकी एक नाम है, सन है. ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कभी भी आपको कोई भी एक वर्क दे देंगे कि कोई सा भी, और वहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि ये वर्क किसका आया, ये कब लिखा गया था. तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने ये सारे एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके लिए सब कलेक्ट करके मैं लेके आई थी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.